अब हम करेंगे प्लांट किंगडम को रिवाइज बाय एनसीईआरटी। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर। विटेकर ने जो था हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने डिवाइड किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, एनिमेलिया और प्लांटे में। उसके बाद हम अगर डिस्कस करें प्लांट किंगडम के बारे में, हमें ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि फंजाए और मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे, जो कि अर्लियर जो थे वो इसी किंगडम में थे, फंजाए और मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बैल्गा नहीं है एनीमोर। वी विल डिस्क्राइब एल्गा मोब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांटा। अगर हम आगे बात करें वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, वो आते हैं हमारे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसमें हम नेचुरल एफिनिटीज़ को देखते हैं। इसमें हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अनाटमी मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर, और एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियो का। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब कि फोटो रेस्पिरेशन वगैरह, ये सब हम देखेंगे। इन्होंने ये किसने दिया था, बाय जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्फ्टन, हुकर। अगर एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ड है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर, उसमें जो है एज्यूम करते हैं ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। अगर हम बात करें देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। अगर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में बात करें, हम उसमें कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए, नंबर और कोड्स जो है असाइन करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में जो है हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसमें हम क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। कीमोटैक्सोनॉमी में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। अगर हम बात करें एल्गा की, एल्गा क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड और ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वेटिक। ये जो होते हैं बोथ फ्रेश एंड वाटर और मरीन वाटर में रहते हैं। इनकी अदर हैबिटेट जो है मॉइस्ट सोन सॉइल और वुड में रहते हैं ये। अगर फंजाए के साथ एसोसिएशन है उसको हम लाइकेन बोलेंगे, एनिमल्स के साथ है स्लॉथ बियर के साथ होगा। इसका जो है हाईली वेरिएबल फॉर्म और साइज़ होता है। कॉलोनी में रहेंगे तो वॉल्वॉक्स कहलाएंगे, फिलामेंटस होंगे तो यूलॉस्ट्रिक स्पायरोगायरा होंगे, और मराइन फॉर्म जैसे ही कैल्प्स जो है मैसिव प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं कैल्प्स। अगर हम आगे बात करें, एल्गा जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हर एक फ्रैगमेंट जो है डेवलप होता है इनटू द थैलस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय स्पोर्स होता है, और मोस्ट कॉमन होता है जू स्पोर्स। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो होता है बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ये गैमीट्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर इन साइज होते हैं जैसे कि यूलॉथ्रिक्स में। नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होते हैं जैसे कि स्पायरोगायरा में। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस हो सकती है, एनाइसोगैमस हो सकती है, ऊगैमस हो सकती है। आइसोगैमस मतलब कि फ्यूजन ऑफ सेम गैमीट्स, एनाइसोगैमस की मतलब कि गैमीट्स डिससिमिलर इन साइज है जैसे कि यूडोरिना में होता है। अगर हम बात करें एक लार्ज मोटाइल और एक छोटा सा मोटाइल, तो उसमें आता है ओगैमस जैसे कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। अगर हम आगे बात करें एल्गा की, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम आगे चले, एल्गा जो है यूजफुल टू, मैंने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन जो होता है एल्गा ही करता है हमारा। अगर हम आगे बात करें इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो इंटरमीडिएट एनवायरनमेंट में होता है। और अगर हम बात करें ये जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं रिच कंपाउंड जो होते हैं और बेसिस ऑफ द फूड साइकिल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इसमें मैनी स्पीशीज जैसे कि पॉरीफायर, लैमिनेरिया सरगैसम जो है मरीन एल्गा की, वो हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। 70 स्पीशीज़ होती हैं। अगर हम आगे बात करें एल्गिन ब्राउन एल्गा और कैरागिन रेड एल्गा में, ये जो होता है कमर्शली यूज होता है। अगर जो होता है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि ऑपरेट होते हैं जेलिडियम और ग्लैसेरेलिया में। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। अगर हम आगे बात करें यूनिसेलुलर एल्गा की, जो होते हैं फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं स्पेस में यूज़ करते हैं, और 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है ग्रास ग्रीन कलर का होता है, पिगमेंट्स इसमें होते हैं ए बी। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये जो होता है इनका क्लोरोप्लास्ट जो होता है डिस्कॉइड शेप का भी हो सकता है,
और प्लेट शेप का भी हो सकता है, रेटिकुलेट और कप शेप का भी हो सकता है इनका क्लोरोप्लास्ट, या फिर स्पाइरल या फिर रिबन शेप, स्पाइरल या फिर रिबन शेप का भी हो सकता है। अगर हम बात करें इनके पास वन या फिर मोर देन वन स्टोरेज बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स जो होते हैं प्रोटीन को स्टोर करते हैं, और कुछ एल्गा के जो है वो फूड भी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। और इनके पास रिजिड सेल वॉल जो होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर जो होती है पेक्टोस की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है फ्रैगमेंटेशन से होती है और फॉर्मेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्पोर्स से होती है, जू स्पोर्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं जू स्पोर एंजिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो आइसोगैमस एनाइसोगैमस ऊगैमस भी हो सकती है। ग्रीन एल्गा के एग्जांपल है क्लाइमिनोडास वॉलवॉक्स यूरोसलिक्स स्पायरोगाइडा कारा। अगर हम बात करें फियोफाइसी की, फियोफाइसी जो होते हैं ब्राउन एल्गे होते हैं, ये मरीन हैबिटेट्स में मिलते हैं, ये ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं इन साइज एंड फॉर्म्स, ये रेंज करते हैं फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूसली ब्रांच फॉर्म जैसे कि केल्प्स में। इनकी हाइट जो है 100 मीटर्स तक जाती है केल्प्स की। अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स आते हैं हमारे फियोफाइसी में। अगर हम बात करें ये ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स होते हैं ब्राउन के डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजैंथिन कितना है। फूड जो होता है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की तरह में स्टोर होता है लैमिनेरियन या मैनिटॉल में। अगर हम आगे बात करें वेजिटेटिव सेल की, उसमें सेलुलोसिक वॉल होता है, जेलिटेनियस कवरिंग होती है ऑफ एल्गिन, प्लांट बॉडी जो है सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय होल्ड फास्ट, स्टॉक होती है स्टाइप और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ होल्ड फास्ट स्टाइप और ये फ्रॉन्ड ऐसा कुछ होता है। अगर हम आगे बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें ब्लाइफ जूस्पोर्स से अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन एसियोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस के थ्रू होता है और यूनियन ऑफ गैमिट्स में टेक प्लेस इन द वाटर विद इन द ओगोनियम। अगर गैमिट्स पाइरीफॉर्म पियर शेप्ड हैं तो और बियर टू लेटरल फ्लैजिला ऐसे दो फ्लैजिला। कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस डिओक्टोटा लैमिनेरिया सर्गैसम एंड फ्यूकस। अगर हम बात करें रोडोफाइसी की, ये रेड एल्गा होते हैं, इनमें रेड पिगमेंट का प्रीडोमिनेंस होता है, आर फाइको राइस रेन होता है, ये जो होता है मरीन होते हैं, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वार्मर एरियाज में होता है, वेल लाइटेड रीजन में क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर होते हैं, रेड थलाई होता है, फ्लोरोडीन स्टार्च में जो होता है फूड स्टोर होता है जो कि सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह दिखता है। ये देखो यहाँ पे गिवन भी हुआ है, क्लोरोफाइसी जो है ग्रीन एल्गा है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा, रोडोफाइसी रेड एल्गा, क्लोरोफिल ए बी ए सी ए डी बी सी डी ए बी सी डी, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजैंथेन, क्लोरोफिल ए डी फाइकोराइथ्रिन। अगर हम बात करें फूड कैसे स्टोर होता है, क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में मैनिटॉल और लैमिनेरियम, और इसमें जो होता है फ्लोरोडीन स्टार्च। सेल वॉल जो है सेलुलोज सेलुलोज एंड एल्गिन, सेलुलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर्स में, फ्लैजिलर जो होते हैं 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं, 2 अनइक्वल होते हैं एब्सेंट होते हैं। हैबिटेट कैसी होती है क्लोरोफाइसी की, फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर मोस्ट। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ओगैमस होती है अकंपनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, कॉमन मेंबर्स पॉलीसिफोनिया पॉरीफायरा ग्लासिलिया जेलेडियम, पी पी जी जी पॉलीसिफोनिया पॉरीफायरा ग्लासिलेरिया जेलेडियम। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ऐसे दिखते हैं कुछ, अगर हम आगे डिस्कस करें ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये जो है सॉइल में भी रह सकते हैं और डिपेंडेंट होते हैं वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें ये जो होते हैं डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज़ में रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में बेयर रॉक्स या फिर सॉइल पर। प्लांट बॉडीज होती है ब्रायोफाइट्स की डिफ्रेंशिएटेड होती है देन द एल्गा, ये होते थैलस लाइक प्रोस्टेट इरेक्टेड अटैच टू सबस्ट्रेटम, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स होते हैं इनमें, इनके पास रूट्स नहीं होती स्टेम नहीं होती या लीव्स नहीं होती, लेकिन इनके पास रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड होती है, ये प्रोड्यूस करता है गैमीट्स, हेंस ये होते हैं गैमीटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम कहा जाता है,
और एंथीरिजॉइड्स रिलीज करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम है जो कि फ्लास्क शेप का होता है और ये प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। एंथीरिजॉइड्स जो है वो रिलीज़ होते हैं वाटर को जब वो आते हैं कॉन्टैक्ट विद आर्केगोनियम। एंथीरिजॉइड्स जो है वो फ्यूज़ करते हैं एग के साथ टू प्रोड्यूस जायगोट। अगर मैं बात करूँ ये आ गया हमारा एंथीरिजॉइड जो फ्यूज़ करेगा एग के साथ टू प्रोड्यूस द जायगोट। अगर हम बात करें स्पोरोफाइट्स की, स्पोरोफाइट्स होते हैं नॉन फ्री लिविंग होते हैं लेकिन अटैच होते हैं फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ताकि वो नरिशमेंट ले सके। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट जो है वो रिडक्शन भी जाते हैं मियोसिस ताकि वो हेप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो स्पोर है ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है लेकिन मॉसेस जो है वो फूड प्रोवाइड करके टू द हर्बेशियस मैमल्स बर्ड्स और अदर एनिमल्स। स्फेग्नम मॉस जो होता है वो प्रोवाइड करता है पीट और जो कि यूज़ होता है एज अ फ्यूल। पैकिंग मटेरियल ट्रांसशिपमेंट्स लिविंग बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज लॉग्स एंड हेंस दे हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इनके दो होते हैं लिवरवर्ट्स और मॉसेस। मॉसेस जो है फॉर्म करती है डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, ये रिड्यूस करती है इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। लिवरवर्ट्स जो होते हैं वो मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम मार्शी ग्राउंड्स डैम सॉइल बैक ऑफ द ट्रीज डीप इन द वुड्स। प्लांट बॉडीज होती है थैलॉइड होती है मार्केंशिया में। थैलस जो होता है डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली रैप्रेस इन टू द सबस्ट्रेट। लीफी मेम्बर्स टाइनी लीफ अपेंडेजेस टू रोज में होती हैं ऐसे 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 ऐसे। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, मतलब अगर ये लीफ है टूटी तो फिर दो में बट गई। गेमा जो होता है इनके पास होता है ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जिसमें जो होता है गेमा जो है डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से टू जर्मिनेट न्यू इंडिविजुअल। अगर ये है गेमा येरा ये डिटैच होकर दोबारा से एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। अगर हम बात करें मॉसेस की, मॉसेस जो होते हैं प्रोटोनीमा होता है उनका स्टेज और फिर जो होता है लीफी स्टेज आता है। अगर हम बात करें आगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है फ्रैगमेंटेशन और बडिंग से होती है और टेरिडोफाइट जो होता है हॉर्स टेल या फर्न्स होते हैं इसमें जो होता है। ब्रायोफाइट जो होता है डोमिनेंट फेज होता है और गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट्स में स्टेम लीव्स आ जाते हैं। लीव्स इन टेरिडोफाइट स्मॉल माइक्रोफिल्स होते हैं सेलेजिनेलिया माइक्रोफिल्स और ये लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल्स। अगर हम बात करें आगे इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर होते हैं ये देखो ऐसे होता है। अगर हम आगे बात करें ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं थैलॉइड प्रोथैलस जो होता है। और अगर हम बात करें आगे वाटर जो होता है रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरिजॉइड्स। मेल गैमेट्स जो होते हैं रिलीज होते हैं फ्रॉम एंथीरिडिया ताकि वो माउथ ऑफ द आर्केगोनियम पर जा सके ताकि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग हो सके और जायगोट बन सके। जायगोट जो बनेगा वो वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में अब जाएगा जो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का। फिर आगे चल के होमोस्पोरस जैसे सेलेजिनेलिया सेल्विनिया होता है हेट्रोस्पोरस मेगास्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया जर्मिनेट होके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट्स में बनाएगा। पेरेंट्स स्पोरोफाइट्स वेरिएबल पीरियड्स होते हैं जायगोट्स यंग एम्ब्रियोट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएगा। सीड हैबिटेट जो है कंसिडर इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन। इसके एग्जांपल है साइलोप्सिडा साइलोटम लाइकोप्सिडा लाइकोडियम सेनोप्सिडा इक्वेस्टियम टेरोप्सिडा डायोप्टेरिस टेरिस एडिटम। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड सीड्स। अगर हम बात करें इनकी ओवरी वॉल और रिमेन एक्सपोज रहती है बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सीड्स होते हैं डेवलप होते हैं फ्रॉम पोस्ट फर्टिलाइजेशन और नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं मीडियम साइज के ट्रीज होते हैं टॉल ट्रीज या शर्ब्स। रेड ट्री जो होता है सिकोइया जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीशी है। अगर हम बात करें आगे चल के तो ये हो जाएगा हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हेट्रोस्पोर्स होते हैं हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स और ये जो होते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिला या कोन होता है। पॉलन ग्रेन इनमें रिलीज होता है और आगे चल के मेल ये जो होते हैं बॉर्न ऑन सेम ट्री पाइनस। अगर हम आगे बात करें इसमें जिम्नोस्पर्म्स की, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास एनप्लॉइडी का, उनमें हमारे पास एंडोस्पर्म बनता है। और अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड सीड्स। और यहाँ पे हम आगे अगर पढ़ें जिम्नोस्पर्म्स के बारे में ये देखो ये जिम्नोस्पर्म ये टेरिडोफाइट्स का स्ट्रक्चर है सेलेजिनेलिया इक्विस्टम फर्न।